नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं मैच जो कवर करने जा रहा हूँ वो है थर्ड क्वार्टर फाइनल ACS T10 काइल का, जो यहाँ पर खेला जाने वाला है टीम KSV वर्सेस टीम FCT के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इस मुकाबले में दोनों टीम क्या कोई बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस आने वाला है या फिर कोई नया बैट्समैन क्या जो ओपन करेगा। साथ में दोनों टीम्स की ओर से डेथ ओवर में बॉलिंग कौन से प्लेयर कराएंगे, कौन सा प्लेयर इनका जैकपॉट रहेगा, किस प्लेयर को ये आप लोग अपनी हेड टू हेड टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं और आप लोग किस प्लेयर को GL में कैप्टन के रूप में रख सकते हैं, तो ये सारी जानकारियां आपको वीडियो के अंदर दी जाएंगी। तो इसीलिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा और अगर आप लोग इस मैच में विन करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट रहेगी, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी या जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, वो टीम अगर आप लोग चाहते हैं आपको मिल जाए तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर करेंटली अभी के समय 4000 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहां पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इससे हमारे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको जो लिंक है हमारे चैनल की वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो, वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर किसी भी कारण से लिंक वर्क ना करे, कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो एक लाइक आप लोग ज़रूर वीडियो को कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार अगर आप लोग हमारे चैनल्स की वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो घंटा है उसको ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब मैं यहाँ पर आपको दोनों टीम्स के कुछ जानकारियाँ प्रोवाइड करा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये दोनों टीम्स एक दूसरे के सामने पहली बार इस टूर्नामेंट में आने वाली हैं। अगर बात की जाए ग्रुप बी की, तो जो KSV टीम है वो अभी टॉप पोजीशन पर है अपने ग्रुप में, और अगर देखा जाए जो टीम ग्रुप है वो अभी जो ग्रुप ए में जो टीम है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो अभी फोर्थ पोजीशन पर है। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं एक टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक तरफ जो दूसरी टीम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। अगर बात की जाए टीम KSV की, तो इन्होंने इस टूर्नामेंट में 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से ये 7 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ एक मुकाबला हारे हैं। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट कॉन्टैक्ट टीम की, तो इन्होंने अपने 8 मुकाबलों में सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं और अपने 6 मुकाबले हारे हैं। वेदर रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो मैच के दौरान आपको कोई भी चांसेस नहीं दिखेगा रेन का, तो इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर विकेट की, तो यहाँ की जो सरफेस रहने वाली है कायल क्रिकेट ग्राउंड की, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाली है बैट्समैन के लिए और खासकर यहाँ पे बॉलर्स को भी काफ़ी अच्छी खासी मदद देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आप जो भी टीम क्रिएट करें वो यहाँ पे बॉलर्स और बैट्समैन के फेवर में कर सकते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर मात्र 109 रनों का है और जो भी टीम चेस करती है उसके यहाँ पे जीतने के चांसेस 40% है। अगर बात की जाए टीम KSV के प्लेइंग 11 की, तो इनकी ओर से आपको अदे दाता, असद खान, आशीष शर्मा, अवि सोनी, दिलराज सिंह, अहमद मुशदेक, प्रतीप दाता, शोहेब आजम, विक्टर मोह, जैद हसन, सफीउल्ला अहमद अजाई आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। फर्स्ट कॉन्टेक्ट की ओर से आपको अब्दुल रहमान अमरखेल, अकबर जबरखेल, अजीजुल्ला अफगान, अजमत अली फराज, नसरुल्ला अमला, रहमनुल्ला हसन, सारिफ सैफी, शौकत अली, जाहिर शाह जाखिल, हासिल महमूद और सलमान हैदर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अगर बात की जाए मुसद्दिक अहमद की, तो एक ये राइट हैंड बैट्समैन है और राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग कराता है अपनी टीम KSV के लिए। टूर्नामेंट में 311 रन, 5 विकेट इनके नाम है। शोहेब आजम खान की मैं बात करूं तो ये राइट हैंड बैट्समैन है, कमर फील्ड के लिए ओपन करते हैं, टूर्नामेंट में 200 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। दिलराज की मैं बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन है और राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करा रहे हैं। लास्ट मैच की बात की जाए तो इन्होंने 82 रन बनाए थे अपने पूरे सीजन में अभी तक जो खेले, और लास्ट मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाले थे। जाहिर जाकिल की मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग कराता है अपनी टीम के लिए, 165 रन, 5 विकेट निकाल चुका है। बात की जाए आप लोग किस प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन अपनी टीम में बना सकते हैं, तो आप लोग कैप्टन मुशद्दिक अहमद, शोहेब आजम खान को बना सकते हैं, वाइस कैप्टन जाहिर जाकिल, दिलराज सिंह को रख सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस मेरी यही रहने वाली है, मुशद्दिक अहमद आपके लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं कैप्टनसी का। आशीष शर्मा और अकबर को आप लोग GL में ट्राई कर सकते हैं, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है वो 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स, 3 बॉलर्स का बन सकता है। विनर्स की मैं बात करूं तो ये मैच KSV जीत सकती है।
तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको अभी तक जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर दी होगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल्स की वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटा है उसको ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर ये काम कर लें। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट रहेगी, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी या जो भी मेरी फाइनल 100% विनिंग टीम होगी आफ्टर लाइनअप टॉस के बाद, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी जहाँ पर करेंटली 4000 से ज़्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ ड्रीम इलेवन की ओर, जहाँ पर आपको कमाल की हेड टू हेड टीम और GL टीम प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन से। उससे पहले आपको दो बातें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात ये देखिए, क्वार्टर फाइनल मुकाबले हैं तो दोनों टीम्स ज़रूर विन करना चाहेंगी। और दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों ये जो KSV की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। अपने ये दो मुकाबले ऐसे जीत कर आ रहे हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी टीम का एक विकेट भी नहीं गिरने दिया, 10-10 विकेट यानी पूरे विकेट से ये दो मुकाबले अपने जीत कर आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक इनकी टीम के पास है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दो पिक नज़र आ रही होंगी, दिलराज सिंह और यहाँ पे जबर खेल की। तो अगर यहाँ पर बात की जाए आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है, तो जबर खेल को आप अपनी टीम से ड्रॉप करके रख सकते हैं। अगर बात यहाँ पर मैं करूँ अकबर जबर खेल की, तो ये आपको देखिए कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हुए आएँ क्योंकि ये यहाँ पर आपको बॉलिंग का ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन काफ़ी कम रेयर चांसेस है कि इस मैच में ये बॉलिंग कराएंगे क्योंकि फाइनल मैच है, तो ज़रूर मतलब क्वार्टर फाइनल मैच है तो ज़रूरी नहीं इनकी टीम जो है उनसे बॉलिंग करवाए। बाकी दिलराज सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करना पसंद करते हैं, नंबर 3 के आसपास बैटिंग इनको मिल जाएगी। और कल के मैच में इन्होंने 2 ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी कराई जहां पर इनको 3 विकेट कल के मैच में ही हासिल हो गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इसलिए यहाँ पर मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से दिलराज सिंह को अपनी टीम में रख कर चलने वाला हूँ। बाकी अगर आप यहाँ पर जबर खेल को ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल के नज़रिए से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए दिलराज सिंह का रहेगा। बैटिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो आपके सामने एक प्लेयर निकल के आएगा, एस आजम खान। काफ़ी अच्छा प्लेयर है, लगातार काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, कल भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छे हार्ड हिटिंग शॉट्स लगा रहा था। और कल इसने एक ओवर की पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराई थी, विकेट भले इनको बॉलिंग से ना मिले पर ये आपको पार्ट टाइम 1 या 2 ओवर की बॉलिंग करा के दे सकते हैं, साथ में आपको अच्छी खासी हार्ड हिटिंग करके दे सकते हैं ओपन करते समय। बाकी यहाँ पर एक प्लेयर निकल के आएगा आपके लिए, ए उल्ला अफगान, काफ़ी अच्छा प्लेयर ये भी है आपके लिए, FCT टीम के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है टूर्नामेंट में। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका पिछला मुकाबला था जहाँ पर इसने 117 पॉइंट किए थे, जहाँ पर इस प्लेयर ने 3 विकेट निकाले थे, तो ये एक सा बॉलर आपको अच्छे खासे पॉइंट कलेक्ट करके दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं ए उल्ला अफगान को अपनी टीम में रखना चाहूँगा। बाकी यहाँ पर मैं ए अहमद खान को रखूँगा। ये देखिए आपको बैटिंग से कुछ खास करने वाले नहीं है, लेकिन ये अपनी टीम के लिए पार्ट टाइम बॉलिंग कराते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाले और जो पिछला मुकाबला हुआ था वहाँ पर इन्होंने 1 विकेट हासिल किया था अपने पहले ही ओवर में। तो कंफर्म नहीं है कि आपको 2 ओवर की कंफर्म बॉलिंग दे, पर 1 ओवर की बॉलिंग इसे करवाई जा सकती है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा रिस्क अगर ले पाएँ तो आशीष शर्मा को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं अहमद खान की जगह पर, क्योंकि काफ़ी अच्छे फील्डर हैं, काफ़ी अच्छे स्पिनर बॉलर भी हैं ये, तो विकेट टेकर बॉलर हो सकते हैं इस मैच में। अगर आप ट्राई करना चाहें इनको कर सकते हैं, लेकिन अहमद खान आपके लिए सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाला है स्मॉल लीग में। ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके यहाँ पर अहमद की पिक आएगी जिन्हें आप कैप्टन भी बनाएंगे और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हैं, 747 पॉइंट है इनके, पहले ही मैच से काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म टूर्नामेंट में करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं ज़ाहिर ज़ाकिल को अपनी टीम में ट्राई करूँगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अपनी टीम के लिए बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है और आपको अच्छे खासे पॉइंट कलेक्ट करके दे सकता है। बाकी यहाँ पर मैं साफ़ी को पिक करूँगा और आखिर जो मेरा यहाँ पर बॉलर हो सक मतलब ऑलराउंडर हो सकता है वो यहाँ पर विक्टर मोहू हो सकता है। काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, अपना पावर प्ले का पहला ओवर और यहाँ पर डेथ ओवर में 10वां ओवर कराने आते हैं जहाँ पर विकेट लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं इनको अपनी टीम में लेने वाला हूँ।
बॉलिंग की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे शदम सजाद को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। पिछले कुछ मैचेस से जो इनकी टीम ने इनको बाहर रखा है, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो आंख बंद करके इनको अपनी टीम में ले लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी अभी सोनी ने भी कल के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो मैं इनको ट्राई करूँगा। और आपके पास यहाँ पर 8 क्रेडिट बच जाएगा, जहाँ पर आप ओनली पी दत्ता को अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने 2 बॉलर्स नज़र आपको आएंगे, एक तो यहाँ पर अमरखेल आएंगे, दूसरे यहाँ पर आपको एस अहमद जाए आएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमरखेल मुझे इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, और यहाँ पर एस अहमद जाए मुझे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको 2 ओवर की बॉलिंग दे देते हैं और काफ़ी अच्छा बैटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं हमारे पास है, तो हमें यहाँ पे मजबूरी में पी दाता को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेयर है सरजाद एक ऐसा प्लेयर है, अगर आप इसको मिस कर देंगे तो आपको ये 100-200 पॉइंट पीछे भी कर सकता है अगर ये आपके अपोनेंट टीम में हुआ। तो इसलिए यहाँ पर मैं इनको ट्राई करूँगा। बाकी पी दत्ता भी आपको बॉलिंग करा के दे सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको ले लेता हूँ। हो सकता है कि बॉलिंग कराएं, 1 या 2 विकेट आपको निकाल कर दे दें। तो दोस्तों मेरी जो टीम है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। मैंने अपनी इस टीम में 7 प्लेयर रखे हैं केएसवी के, और 4 प्लेयर मैंने रखे हैं टीम एफसीटी के। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो केएसवी की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, तो इसीलिए मैंने इनकी ओर से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स रखे हुए हैं, और सिर्फ 4 प्लेयर मैंने एफसीटी के रखे हैं। बाकी अगर आप चेंजेस यहाँ पर करना चाहें तो सदम सरजात को ड्रॉप करके अमरखेल को ले सकते हैं, उसके अलावा पी दाता को ड्रॉप करके आप यहाँ पर सहमत जाय को भी ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ ना जाकर इस कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा। बात की जाए टीम प्रीव्यू की, तो देखिए दोस्तों मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में दिलराज सिंह को लिया, जो कि आपको ओपन करके देने वाले हैं, और आपको बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं। एस आजम खान ओपन करते हैं, बॉलिंग का ऑप्शन देते हैं। एउल्ला अफगान पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, 3 विकेट निकाले थे। ए अहमद खान आपको पार्ट टाइम बॉलिंग का ऑप्शन देते हैं। एम अहमद आपको ओपन करते नजर आएंगे और 2 ओवर की बॉलिंग करवा सकते हैं। एस साफ़ी आपको ओपन करते हुए नंबर 3 पर आपको बॉलिंग कराते नजर आएंगे। ज़ाहिर जाकल आपको ओपन करते हुए और आपको बॉलिंग कराते नजर आएंगे। विक्टर मोह आपको पावर प्ले में पहला और डेथ ओवर में 10वां ओवर कराते नजर आएंगे। अभी सोनी को मैंने ट्राई किया है मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग कराते, पी दाता को लिया है आपको मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग कराते नजर आ सकते हैं। उसके अलावा शदम सरजात को लिया है अपनी टीम के लिए क्रूशियल ओवर्स में आकर बॉलिंग करा सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं। तो अगर देखा जाए मेरी इस टीम में कप्तान और वाइस कप्तान कौन रहेगा, तो कप्तान यहाँ पर मैं अहमद को बनाऊंगा, वाइस कप्तान यहाँ पर मैं एस आजम खान को बनाऊंगा, अगर इनकी टीम चेस करेगी तो। बाकी अगर इनकी टीम चेस नहीं करती है तो यहाँ पर मैं अपनी टीम में ज़ाहिर जाकिल को वाइस कैप्टन रख दूंगा, क्योंकि जो ज़ाहिर जाकिल हैं हो सकता है कि एस आजम खान को परेशान करें या फिर इनको आउट कर दें, क्योंकि ज़ाहिर जाकिल भी आपको 2 ओवर की बॉलिंग और बैटिंग करके दे सकते हैं। बाकी अगर इनकी टीम चेस करेगी तो आप लोग आंख बंद करके एस आजम खान को वाइस कैप्टन बना देना, क्योंकि हो सकता है कि जो टीम केएसवी है वो एफसीटी टीम को काफ़ी कम रनों पर ही ऑल आउट कर दे। तो मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, जो भी हो टॉस के बाद आप चेंज कर लेना। तो मैं अपनी इस टीम को सेव कर लेता हूं। एक बार आप लोग हमारी टीम का प्रीव्यू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहां पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहां पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को यूज़ कर सकते हो। तो इसी सेम टीम के साथ मैं एसएल में भी जा सकता हूं, इसी सेम टीम के साथ मैं जीएल में भी जा सकता हूं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो 1 लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल्स की वीडियोस को वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट रहेगी, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पर करेंटली 4900 से ज़्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पे कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी मेम्बर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद। अगर लिंक वर्क ना करे कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जितने भी मैचेस हैं, जहाँ भी आप इन्वेस्ट करें, ऑलवेज विन करें, हमारी टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।